तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बच्चों को थोड़ा थोड़ा डाउट आता है कि सर कैसे लगेगा ऊपर एयर का फोर्स। तो एक हवाई जहाज है, एक एरोप्लेन है, और एरोप्लेन ऐसे जा रहा था, सीधी लाइन में ऐसे एरोप्लेन जा रही थी। ठीक है, दिस इज द एरोप्लेन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ पे इसको इस पाथ पे ऐसे कर्व मूव करना है, ठीक है ना। तो अगर इस पाथ पे कर्व मूव करना है, एयर में है, सब कुछ कहानी हवा में हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से जो स्पीड है, तो स्पीड दिया है 900 किलोमीटर पर आवर। तो इस 900 किलोमीटर पर आवर को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड। तो इतना आ जाएगा स्पीड। मास दिया हुआ है, इस एरोप्लेन का मास जो है, मास बहुत ज़्यादा होता है एरोप्लेन का, ठीक है। तो ये 16,000 kg का एरोप्लेन है। फोर्स एग्जर्टेड एट लोएस्ट, जी की वैल्यू आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है फोर्स एग्जर्टेड बाई द एयर ऑन इट एट द लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट पे एयर कितना फोर्स लगाएगा? देखो, जब कभी भी एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन जब उड़ता है, तो भाई वेट mg तो नीचे लगती है, तो mg को बैलेंस कौन करता है मेरे भाई? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो एयर का जो नेट रेजिस्टिव फोर्स होता है, एयर का जो नेट फोर्स होता है, जब वो डोमिनेंट हो जाता है, जब एरोप्लेन चलता है, ठीक है, जब एरोप्लेन मूव करता है, तो अपनी स्पीड धीरे धीरे अगर बढ़ाएगा, स्पीड इंक्रीज करेगा, तो एक ऐसा समय आ जाता है कि सभी जो एयर का फोर्स है, जो एयर ऐसे फोर्स लगा रही है साइडों से, जो एयर फोर्स लगा रही है, उसका रिजल्टेंट स्पीड बढ़ने से नेट ऊपर आ जाता है और वो mg से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो हवा में प्लेन उड़ जाता है। तो जब ये लोएस्ट पॉइंट पर है, तो ऑब्वियसली एयर का फोर्स ऊपर लगेगा, ये एयर लगा रही है एरोप्लेन पे, और mg नीचे लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे वॉट इवर जो भी स्पीड भी है, वो रेडियस भी यहाँ दिया हुआ है, तो रेडियस यहाँ लिख लेते हैं। तो रेडियस यहाँ ऑलरेडी है, 2000 मीटर के कर्व में ये डाइव करना चाहता है, मास दिया हुआ है। तो फोर्स यहाँ स्पीड ये 250 मीटर पर सेकेंड है। तो ऑब्वियसली एयर का फोर्स निकाला जा सकता है, बहुत आसान है। तो लोएस्ट पॉइंट पर अगर मैं इक्वेशन लिख दूंगा, इस लोएस्ट पॉइंट पर अगर मैं इक्वेशन लिखूं, तो एयर का फोर्स माइनस, ग्राउंड से देख रहा हूँ, mg मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल mv² ओवर r, ठीक है ना भाई। नेट रियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, वही तो सेंट्रीपिटल होता है यार। तो एफ एयर का जो फोर्स आएगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा mv² ओवर r प्लस mg। बस इसकी कहानी खत्म हो गई। अब m कॉमन ले लो, यहाँ से m कॉमन ले लो, और ये आ जाएगा v² ओवर r, और ये g। बाकी सारा डेटा रख दो, और वो डेटा तुम रख के कैलकुलेट कर सकते हो। मास 16,000 kg था, और ये 250 मल्टीप्लाइड बाई 250, और डिवाइडेड रेडियस कितना था भाई? तो रेडियस ऑलरेडी 2000 था, और प्लस जी की वैल्यू 9.8 रख देना, और ये सारा बाकी काम आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एयर का जो फोर्स है, वो काफ़ी अच्छा खासा फोर्स है, 6.5 × 10 की पावर 5 न्यूटन आएगा, जो कि mg से अधिक ही आएगा। तो ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो और मोटिवेटेड रहो।